मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार उठापटक का दौर जारी है और अब खबर आ रही है कि बेंगलोर से जो कांग्रेस के विधायक जिसमें कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं वो भोपाल आने वाले थे लेकिन अब वो भोपाल नहीं आ रहे हैं। इस बीच कमलनाथ गवर्नमेंट ने 6 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है, उन्हें मंत्री पद से हटा दिया है और अब उनके विभागों को दूसरे मंत्रियों में बांट भी दिया है। और ये किस तरह का घटनाक्रम है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। इस बीच लगातार एयरपोर्ट पर, भोपाल एयरपोर्ट पर काफ़ी लंबा जमावड़ा भी लगा रहा और कांग्रेस और बीजेपी समर्थक आपस में भिड़ भी गए। इन तमाम पहलुओं को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक श्री शिव अनुराग पटेरी जी मौजूद हैं। शिव अनुराग पटेरी जी, ये क्या घटनाक्रम है, किस तरह दिशा में मध्य प्रदेश की सियासत जा रही है? देखिए, वास्तव में मध्य प्रदेश में एक अलग किस्म की रस्सा कसी है, टकबार है। आपके साथ भी मैंने कई बार कहा है कि टकबार है, जैसे रस्सी खींचना होता है कि आप अपनी तरफ खींचे, आप अपनी तरफ खींचे और जो खींच जाए वो जीत जाए। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी ने बेल्ट डिजाइन स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस को डॉज देने की कोशिश की है। डॉज देना हॉकी या क्रिकेट की भाषा में कहते हैं कि आप प्रतिद्वंदी को घेर के धीरे से आगे बढ़ जाए, खासतौर से हॉकी में। तो बड़ी होशियारी के साथ उन्होंने कांग्रेस को डॉज दिया है और उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे दिन भर कांग्रेस के रणनीतिकार रणनीति बनाते रहे, तय करते रहे कि किस तरह से विधायकों को अपने वापस लाना है, किस तरह का करना है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर पहुंच गए लेकिन भाजपा के छोटे भैया नेता ही वहां पर देखते रहे या मीडिया के जो रिलेटेड लोग हैं वो देखते रहे और दिन भर ये माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही कि बस भाजपा के विधायक, भाजपा के पास कांग्रेस विधायक कब आए, अब आए, तब आए। एक लिस्ट भी जारी कर दी गई कि हुजूर 13 विधायक आ रहे हैं, 13 लोग हैं, उसमें उमाशंकर गुप्ता भी हैं, न जाने कौन कौन है। और इस चक्कर में फंस के रह गई कांग्रेस, पूरा दिन उनका इसी रणनीति पर रहा कि आखिर क्या किया जाए। और दरअसल राजनीति हो या खेल हो, खेल दोनों में आपको अपने प्रतिद्वंदी की निगाहों में, आंखों में निगाहें डाल के देखना पड़ता है कि वो क्या कर रहा है, उसकी अगली रणनीति क्या है, उसका अगला कदम क्या है। और जैसे ही उसका अगला कदम होता है आप उसका काउंटर करते हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बेल्ट डिजाइन तरीके से काउंटर किया है, होशियारी की है, डॉज दिया है। अब वो अपने विधायकों को, वो 3 उन्हें जहाज जो वहाँ रखे थे उसमें से एक उड़ चला है, अब वो कहाँ गया है वो किसी को नहीं मालूम है। मुझे लगता है इंडिया फर्स्ट में पहली बार आपको जानकारी बता रहा हूँ कि इस यहाँ वहाँ से वो विधायक एक जहाज जोड़ा है, उसमें विधायक हैं कि नहीं है, क्योंकि जो रिसोर्ट से एयरपोर्ट बेंगलोर के विधायक गए थे वो अब तक रिसोर्ट में वापस भी नहीं आए हैं। तो हुजूर महामहिम हैं कहाँ पर किसी को नहीं मालूम है। दूसरा सबसे बड़ा संकट ये है कि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उसे क्या करना है। कांग्रेस के तमाम लोग कहते हैं कि उनके पास 122 विधायकों का समर्थन हासिल है लेकिन मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक सपा और बसपा के जो विधायक हैं वो भाजपा के साथ हैं, आप कुछ भी कहें। तो मुझे लगता है संकट बहुत सारे हैं। 3 विधायक भोपाल में इस्तीफा दे चुके हैं और अगर ये मामला और बढ़ा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए दिन ब दिन मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। दूसरा, कांग्रेस की और रणनीतिकारों की कोशिश है कि टाइम गेन किया जाए, टाइम गेनिंग प्रोसेस किया जाए। अगर आप जितना समय आप हासिल कर लेंगे हो सकता है कि आप अपनी जीत की संभावनाओं को, अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हो जाएँ। लेकिन कहते ना, तू डाल डाल मैं पात पात, तो अगर कांग्रेस एक कदम चल रही है तो भाजपा 2 कदमों के साथ चल रही है। कई बार बहुत ही लाइट मूड में एक बात कहता हूँ, कांग्रेस ने 60 सालों में जो खेल सीखे हैं और उसे भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब भाजपा वो भाजपा नहीं रह गई जो सीधी साधी भाजपा थी, जो एक लेट रिएक्शन दिया करती थी, रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी वेल रिस्पॉन्डेड पार्टी है। आपने देखा, सिंधिया आए, शिवराज के घर गए, उन्हीं शिवराज के घर गए जिनको उन्होंने कहा कि सिंधिया विभीषण है, हम लंका में आग लगाएंगे। विभीषण भले ही उन्होंने विभीषण बहुत अच्छा काम किया हो लेकिन विभीषण को घर का द्रोही माना जाता है और मुझे नहीं लगता है कि शिवराज ने ये क्यों कहा, ये अचानक था या किसी रणनीति के तहत उन्होंने कहा। क्योंकि सिंधिया के आने का मतलब ही ये है कि मध्य प्रदेश भाजपा के तमाम नेता जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार हैं उनकी सिचुएशन डाइल्यूट हो जाएगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं था। तो मुझे लगता है भाजपा कई मोर्चों पर काम कर रही है, यहाँ सिंधिया के साथ भी निपट रही है, उनका स्वागत भी कर रही है, शिवराज सिंह उन्हें निपटा भी रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं। आज सुबह लंच पर नरोत्तम मिश्रा ने बुला दिया जो मुख्यमंत्री के दूसरे दावेदार हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ सिंधिया के साथ एडजस्ट किया जा रहा, खेमों के साथ एडजस्ट किया जा रहा, इस सबको मालूम है अच्छी तरह से कि शिवराज और नरोत्तम मिश्रा 2 प्रमुख दावेदार हैं और इस सारे घटनाक्रम का जो चीफ आर्किटेक्ट है उसका नाम है नरोत्तम मिश्रा। तो
सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिंधिया समर्थकों को, सिंधिया को बीजेपी के लीडर एड्रेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके जो नेता हैं वो बेंगलुरु में उनके विधायकों को एड्रेस कर रहे हैं। अब उनको एक एक्स्ट्रा गारंटी, कैसे डबल सिक्योरिटी देने के लिए बैंक एक डबल गारंटी मांगता है, कोलेटरल गारंटी मांगता है, तो एक गारंटी सिंधिया की है और दूसरी गारंटी बीजेपी के नेताओं की होगी। तो मुझे लगता है जिन विधायकों को जरा भी डाउट है उनको आज रात रात तक दिल्ली ले जाकर भाजपा के तमाम बड़े नेताओं से मिलवाया जाएगा, उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका भविष्य सुनिश्चित है। आप चिंता मत करिएगा, वी आर विद यू, कहते ना इफ़ आई एम हेयर डोंट हैव टू फियर, मैं यहाँ हूँ कोई चिंता की बात नहीं। तो भाजपा के बड़े नेता उन्हें ये दावा कर सकते हैं, ये भरोसा दिला सकते हैं, और मुझे लगता है कि बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा भाजपा। उसी कदम पे आगे चल रही है, उन्हीं कदमों पे आगे चल रही है जिन कदमों पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। कांग्रेस टाइम गेन करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी टाइम कंज्यूम करना चाहती है, और ऐसे 10 जहाज खड़े होंगे अभी तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। आपको ध्यान है कल परसों दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था बीजेपी ने सारे चार्टर्ड एंगेज कर लिए हैं, वो तो यहाँ तो ठीक है, आसपास के देशों को भी एंगेज कर लें तो आप भरोसा नहीं करिएगा। देखिए जिन लोगों के हाथ में इन दोनों भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो सिर्फ जीत की परिभाषा जानते हैं और जीत को गढ़ना भी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के सियासी फलक पर बहुत से परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जेम्स बॉन्ड स्टाइल से और भी कुछ हमें सर मूव्स देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल, एक बचपन में देखा था अगर 0007 या 007 क्या होता था, हाँ 007, ये दो दो जेम्स बॉन्ड 007 पीछे लगे हुए हैं, और अगर ये किसी को चेज कर रहे हैं तो उसका बचना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है एक तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इन दोनों किसी चीज़ में हाथ डालता नहीं है, और डालता है तो उसे मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकता है। आप सवाल कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में कैसे फैल हुए, महाराष्ट्र में निश्चित तौर पर उन्हें पीछे आना पड़ा और निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका लगा, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र से भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कोई बड़ी खबर आपको देने वाला है, बहुत बड़ी खबर यहाँ पर देने वाला है। और हो सकता है कि अगला डायलॉग आप हो सकता है सुनने को मिले, दीवार फिल्म का वो फेवरेट डायलॉग, तुम मेरा इंतजार यहाँ कर रहे हो और मैं तुम्हें यहाँ ढूंढ रहा हूँ पीटर, ये हो सकता है। और जेम्स बॉन्ड के जिस तरह से अंदाज में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, एक बहुत बड़ा डॉस था। आपको ये समझाने के लिए हमने शिवनरक पटेरे जी से समय लिया और उन्हें समझाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यू रचना की थी, यहाँ पर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी की रणनीति एक्सपोज हो गई। वो इंतजार करती रही, उनके तमाम बड़े नेता एयरपोर्ट पर डेरा डाले बैठे होते, धारा 144 तक लगा दी, भारी पुलिस फोर्स भी वहां पर लगा दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे स्तर के नेता, शहरी स्तर के नेता वहां पर उनको एंगेज किए रहे और पूरी तरह से कांग्रेस की यहां पर रणनीति एक्सपोज हो गई। और उसके बाद अब कुछ जो होने वाला है उन्हें कहीं ना कहीं इशारों में और कई स्पष्ट शब्दों में शिवनरक पटेल जी ने बता दिया है कि सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ हो सकता है, और कहा जा सकता है कि जेम्स और बॉन्ड यानी कि अमित शाह जी और मोदी जी कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। आने वाले समय में देखना होगा क्या कांग्रेस के रणनीतिकार इस जेम्स बॉन्ड स्टाइल की रणनीति को फेल कर पाएंगे, क्या कुछ जवाब दे पाएंगे, क्या कुछ पलटवार कर पाएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं जो जयपुर में हैं उन्होंने खाटू श्याम जी के दर्शन किए हैं, और खाटू श्याम जी के बारे में कहा जाता है हारे का एक ही सहारा खाटू श्याम हमारा। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। इन्हीं शब्दों के साथ अपने दोस्त आशुतोष को दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार, देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें।